दोस्तों होने वाला है आईपीएल का मेगा ऑक्शन। दोस्तों आईपीएल का ये जो मेगा ऑक्शन होने वाला है ये होने वाला था 2021 साल में, लेकिन दोस्तों आप जानते ही है जो पैंडेमिक सिचुएशन था यानी कोविड-19 के चलते ये जो मेगा ऑक्शन होने वाला था 2021 साल में वो रद्द कर दिया गया था। और इस बार यानी 2022 साल में होने वाला है आईपीएल का मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन क्यों? दोस्तों इस बार जो टीम है वो टीम नए तरीके से बिल्डअप किया जाएगा और दो नया टीम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों कैसे क्या होगा, कब होगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। दोस्तों इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों ये जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है 2022 साल में, यहाँ पर टोटल 10 टीमों में आ जाएगा सभी प्लेयर। दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर लिस्टेड किया जाता है, आप जानते ही है आईपीएल में ऑक्शन के लिए। तो आप क्या सोच रहे हैं, जो नया टीम होने वाला है उसे तो खिलाड़ी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खिलाड़ी तो एग्जिस्टिंग टीम के पास है? जी नहीं दोस्तों, ये जो मेगा ऑक्शन होने वाला है यहाँ पर फिर से नए तरीके से ऑक्शन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाँ वहाँ पर पुराने जो टीम्स है उन लोगों को एडवांटेज रहेगा कुछ एग्जिस्टिंग खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी है सबको ही छोड़ना होगा। तो रिटेंशन कैसे किया जाएगा? दोस्तों एक टीम मैक्सिमम 4 खिलाड़ी को रिटेन कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग टीम में से, उनमें मैक्सिमम 3 इंडियन खिलाड़ी और एक विदेशी खिलाड़ी रह सकता है, या फिर 2 इंडियन खिलाड़ी साथ में 2 फॉरेन खिलाड़ी रह सकते हैं। और दोस्तों उनके लिए पर्स अमाउंट भी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों इस बार जो ऑक्शन होगा पिछली बार ऑक्शन से 5 करोड़ रुपए अदा कर दिया गया है ऑक्शन पर्स, यानी 85 करोड़ रुपए जहाँ पर टोटल मिलाकर टीम खरीदने वाले थे सभी फ्रेंचाइजिया, इस बार वे 90 करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं। तो अगर 3 खिलाड़ी रिटर्न करते हैं तो पहला खिलाड़ी को 15 करोड़ रुपए, दूसरे खिलाड़ी को 11 और तीसरे खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए मिलने वाला है। अगर 2 खिलाड़ी रिटर्न करता है कोई टीम तो उन्हें एक खिलाड़ी को 12.5 करोड़ रुपए और दूसरे खिलाड़ी को 8.5 करोड़ रुपए देना होगा, और अगर सिर्फ एक खिलाड़ी रिटर्न करता है तो सिर्फ 12.5 करोड़ रुपए ही देना होगा उसी खिलाड़ी को। और अगर 4 खिलाड़ी रिटर्न करता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर अभी तक बीसीसीआई ने बताया नहीं है, बताने पर मैं आपको जरूर बता दूंगा। दोस्तों इस बार बताया जा रहा है कोई रिटेंशन कार्ड नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जितना खिलाड़ी आप रिटेन कर पा रहे हैं वही खिलाड़ी आपको रिटेन करना होगा, एक्स्ट्रा कोई कार्ड नहीं मिलेगा आपको ताकि ऑक्शन के समय आप किसी भी खिलाड़ी को रिटेन कर सके, क्योंकि यहाँ पर 2 नया टीम होगा वहाँ पर एक भी खिलाड़ी नहीं होगा तो उन लोगों को भी अच्छे खिलाड़ी लेने की फेयर चांस देना ही होगा, ये बीसीसीआई वालों का कहना है। ये जो ऑक्शन होगा यानी मेगा ऑक्शन आईपीएल 2022 के लिए, वो मेगा ऑक्शन इस बार दिसंबर मंथ में करवाया जाएगा, और वो जो मेगा ऑक्शन होगा इस बार 2 दिन के लिए होगा और 1 दिन यानी 3rd डे वो एक्स्ट्रा रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक फिलहाल बीसीसीआई से यही बताया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो मेगा ऑक्शन होगा वो ऑक्शन के बाद कौन सा टीम ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।